बिहार शिक्षा विभाग के तरफ से सभी सरकारी टीचरों को ऑनलाइन अटेंडेंस बनाने का निर्देश किया गया था। बता दें कि इसके बाद मंगलवार को जब शिक्षक पोर्टल खोलने लगे तो किसी का आईडी पासवर्ड इनवैलिड बता रहा था, तो किसी के मोबाइल पर पोर्टल खुल ही नहीं रहा था। वहीं कुछ शिक्षकों ने पोर्टल खोला तो उनके विद्यालयों का लोकेशन गलत बता रहा था। इस वजह से अधिकतर शिक्षकों ने ऑनलाइन अटेंडेंस नहीं बनाया, उन्हें पुरानी विधि से रजिस्टर पर हाजिरी बनानी पड़ी। विभाग ने शिक्षकों को 25 जून से ई शिक्षा ऐप पोर्टल पर ऑनलाइन अटेंडेंस बनाने का निर्देश दिया था। वहीं शिक्षकों ने बताया कि विभाग की ओर से ऑनलाइन अटेंडेंस बनाने का निर्देश दिया गया था। इसके लिए ई शिक्षा कोश ऐप मोबाइल में डाउनलोड किया गया था। विभाग से मिले यूज़र आईडी पासवर्ड के माध्यम से उन्हें हाजिरी बनानी थी। लॉगिन करने के बाद मार्क अटेंडेंस का ऑप्शन आ रहा था, जिसे क्लिक करने पर लोकेशन बताएं और इस लोकेशन पर अपने विद्यालय एवं फोटो के साथ क्लिक करना है। इसके बाद ऑनलाइन हाजिरी बन जाएगी। उधर शिक्षकों ने बताया कि हाजिरी की प्रक्रिया सुबह 6:20 से 6:30 बजे तक पूरी कर लेनी थी। मंगलवार को पहला दिन था, लेकिन सर्वर काम नहीं करने के कारण ऑनलाइन हाजिरी नहीं बन सकी और हमें वो पुरानी विधि रजिस्टर पर अपना नाम लिखकर अटेंडेंस बनाना पड़ा। बता दें कि बिहार शिक्षा विभाग के निर्देश पर मंगलवार को ऑनलाइन हाजिरी बनाने में कुछ शिक्षक ही सफल हो सके। विभाग ने शिक्षकों को 25 जून से ई शिक्षा ऐप पोर्टल पर ऑनलाइन अटेंडेंस बनाने का निर्देश दिया गया था। मंगलवार को जब शिक्षक पोर्टल खोलने लगे तो किसी का आईडी पासवर्ड इनवैलिड बताने लगा, तो किसी का पोर्टल ही नहीं खुल रहा था। ब्यूरो रिपोर्ट, न्यूज़ पीआर लाइव, पटना।